There, and so good to see him here. आसमां से क्या खता हुई, तारा उसका टूटा क्यों, लोग मुझसे पूछते हैं साथ अपना छूटा क्यों, क्या मजबूरियां कैसी ये दूरियां, दिल ये समझे ना, होते प्यार में से भी इम्तिहान, मैंने अब जाना असल में Thank you everybody. काफी दिनों से ये पेंडिंग था एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ, बट थैंक यू गाइज फॉर लविंग मी सो मच. और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू दिस टाइम, क्योंकि ये पास्ट दो महीने में मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाया हूँ, मैं आप लोगों को टाइम दे पाया हूँ, एंड आप लोगों ने भी मुझे उतना ही वक्त दिया है, आपका बहुत वैल्यूबल टाइम मुझे दिया है, एंड दैट रियली रियली मीन्स अ लॉट. सिद्धार्थ भावसार बाहर बैठे हैं और बाहर से कमेंट कर रहे हैं आज कुछ हम करने वाले हैं, दैट्स व्हाई लास्ट में उनको भी बुलाएंगे. बट बहुत सारी बातें हैं एंड आई होप कि हर बार की तरह बहुत सारी बातें मुझे बोलनी होती है पर मैं भूल जाता हूँ. आई ऑलवेज वॉन्ट टू से लॉट ऑफ थिंग्स बट आई ऑलवेज फॉरगेट, बट यस जितनी भी बातें कर पाए. सो एक बार ये माइनर आता बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं कि वो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, एंड दे वांट मीट मी व्हेन आई कम टू देयर सिटी. उनका सपना है कि वो मुझे मिले. मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक सपना है कि मैं हर एक फ़ैन से मिलूँ, हर एक फ़ैन के साथ बात करूँ, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ. दैट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी. सो वेन एवर एवरी थिंग इज़ फाइन, वेन द सिचुएशंस आर नॉर्मल, मैं कोशिश करूंगा कि हर सिटी में मैं आऊं और जितने भी मेरे प्यारे फैंस हैं उन सबसे मैं मिलूं, उनसे बहुत सारी बातें करूं. सर कप में क्या है? कप में ब्लैक कॉफी है. जब भी मैं लाइव आता हूं मैं नर्वस होता हूं क्योंकि बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है मेरे अंदर, बहुत सारी बातें करनी होती है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स गो इन माई हेड. सो आई हैव ब्लैक कॉफी. आई सी लॉट ऑफ डीजेड वाले. अभी कल ही मुझे किसी ने कॉल किया, वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल मी और एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा मुझे सुनाया. या सो दैट फ्रेंड ऑफ माइन वाज प्लेइंग अ गेम, ऑनलाइन प्ले कर रहा था, और जैसे पबजी होती है वैसे एक और गेम है सीओडी, उस पर ही वॉज प्लेइंग, एंड 5 डीजेड वाले अकाउंट सामने आए, एंड ही रोट दैट अगर आप लोग दर्शन रावल के फैन हैं तो प्लीज़ गेम हार जाना, एंड all of them lost the game. So he personally called me, मुझे कॉल किया और बताया कि यार आज कुछ 5 तेरे फैंस पे प्लेइंग द गेम, एंड आई टोल्ड दैट अगर दर्शन रावल के आप पक्के फैन हो तो हार जाना, एंड वो लोग गेम हार गए. बहुत छोटी चीज़ है बट इट रियली मीन्स अ लॉट. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही मुझे काफ़ी अफेक्ट करती है आप लोगों की. दर्शन ऑलवेज देयर विथ यू इन योर जर्नी हिंदी म्यूजिक लेवल. थैंक यू. मेरी ही जर्नी नहीं बट बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और म्यूजिक को इंडी म्यूजिक लेबल सपोर्ट करता है. सो आई एम थैंकफुल फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट इंडी म्यूजिक लेबल इज डूइंग, और यू ऑल नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो बता दूं क्या है अनाउंसमेंट. अरे ऑल्सो आज हर बार मैं कंप्लेन करता हूँ, आज भी मुझे बहुत सारे जिंदगी गुलजार है. आई री लव द काइंड ऑफ पोस्ट यू डू. जिंदगी गुलजार है हैज अ कमेंट एंड इट इज़ अमेजिंग. मैं आपको पर्सनली फॉलो करता हूँ और आप जब भी कुछ पोस्ट करते तो मैं देखता हूँ उसे, एंड इट इज़ अमेजिंग. ग्रेट जॉब यू आर डूइंग. ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए. बट व्हाट आई वाज सेइंग इज़
कि आज इंडी म्यूजिक ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं हमेशा कंप्लेन करता हूं कि सिर्फ मुझे हाय हेलोज और हार्ट्स दिखते हैं, सो क्वेश्चंस रह जाते हैं. तो बहुत कुछ क्वेश्चंस इंडी म्यूजिक लेवल ने मुझे भेजे हैं. आज उन सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं आप सबको. और लास्ट में अनाउंसमेंट क्या है, आप तब तक गेस करो कि अनाउंसमेंट क्या होगा. So after this song we will start reading the questions that we have today. Jo aap logon ne bheje the mujhe, I'm going to read and reply to a lot of people. Tera zikr jisme hua na ho, mere paas aisa lamha na ho, maine jisme tujhko manga nahi, पास ऐसे कोई लम्हा ना हो, बाखुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलेगी मुझसे तुम फरियाद करोगे, मुझे खोने के बाद जब मैं लिरिक्स भूलता हूं तो इधर जुगल है वो बहुत हंसता है, उसको लगता है वो उसने अपना बदला ले लिया. जुगल तुम कुछ सुनाओगे लास्ट में? लाइव कितने 26,000 लोग सुनेंगे एक साथ. ठीक है गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस दैट वी हैव गॉट टुडे. सो पहला क्वेश्चन है, डू यू ट्रैवल फॉर इंस्पिरेशन? वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रैवल ही करता रहता हूँ कॉन्सर्ट्स के लिए, और वक्त नहीं मिलता खुद के ट्रैवल के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है. अब जब वक्त मिला खुद के लिए तो कहीं बाहर नहीं जा सकते. बट यस, व्हेन आई ट्रैवल, मैं जब कॉन्सर्ट के लिए ट्रैवल करता हूँ तो लोगों से मुलाकात होती है, अलग शहर में जाते हैं, तो आई जस्ट फाइंड माई इंस्पिरेशन देयर. वहाँ से लोगों से आई ऑलवेज टेल कि मेरा म्यूजिक लोगों से जुड़ा हुआ है. सो यस आई डेफिनेटली, बट कुछ गाने हैं जो मैंने बनाए हैं वाइल ट्रैवलिंग, जो आप लोगों ने सुने भी हैं, उनकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग आई हैव गॉट दैट. एनी स्पेशल चाइल्डहुड मेमोरीज? बहुत सारी है यार, अगर स्पेसिफाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट देर आर मिलियंस ऑफ मेमोरीज दैट आई हैव. एक स्पेसिफिक मेमोरी, एक पेंटियम 4 मेरे पास सीपीयू हुआ करता था, और मेरे पास 100 रुपए का माइक था, और मैं तब से ही आई यूज टू मेक माई सॉन्ग्स एंड आई यूज टू रिकॉर्ड इन दैट. संडे सुबह एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उठते थे और वही दिन होता, बाकी रेस्ट ऑफ द दिन पढ़ाई करनी होती तो फैमिली अलाउ नहीं करती, तो संडे के दिन उठ के जल्दी से, मतलब पूरा दिन होता था, सो आई यूज टू मेक माई सॉन्ग्स, और बहुत ही मैच्योर सॉन्ग्स होते थे, बट आई यूज टू मेक एंड रिकॉर्ड. उस 100 रुपए के माइक को हम ऐसे ट्रीट करते जैसे करोड़ों का माइक है, और उस माइक की वैल्यू, मतलब दैट माइक हैज, कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट वो माइक का मतलब काफ़ी पार्ट है मेरी जर्नी में. सो दैट इज़ वन मेमोरी, एंड बहुत सारी मेमोरीज थी. स्कूल में भी हम लोग जैम करते थे, एंड बहुत ज़्यादा आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक. मतलब मैं म्यूजिक करने के लिए आज से 10 साल पहले जितना पैशनेट था, आज भी सुबह जब उठता हूँ तो उतना ही मैं पैशनेट हूँ. आई एम दैट एक्साइटेड. आज भी जब गाना बनाना होता है तो मेरी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है. आई बिकम नर्वस व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग, आई बिकम इमोशनल व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग, आई बिकम हैप्पी व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग. सो कभी भी यू विल सी मी रैंडमली ऐसे ही मैं बैठा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने आज एक अच्छा गाना बनाया है, और आई एम वेरी सैड बिकॉज आज कुछ मेरे से बना नहीं. बहुत वैसे मेरे मूड स्विंग्स आते हैं, मैं बोलता ही जाऊँगा. फेवरेट लेजेंडरी सिंगर, पर्टिकुलर इंडिया में बात करें तो देर आर लॉट ऑफ सिंगर्स है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं, मतलब उनसे सीखता हूँ, उनको सुनता हूँ. किशोर कुमार, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. मैं सबको बहुत सुनता हूँ, एंड आई थिंक उनको सुन सुन के ही मैं सीखा हूँ. सो या हाउ डू यू मैनेज टू इम्प्रेस फैंस अक्रॉस डिफरेंट एज? मैं ऐसा कुछ मैं
नहीं करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे हर मेरी बात आपको अच्छी लग जाती है, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज कि आप मुझे हर हालत में पसंद करते हैं, एंड मैं ज़्यादा आई डोंट ट्राई टू बी somebody what I'm not, I just try to be what I am naturally, and वही आप लोग मुझे जो सोशल मीडिया पे देखते हो, you have made efforts that are enough for us. अरे नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो मेरे लिए, and trust me, not only me but my entire family, my entire friends and the people I work with, they all respect you guys so much, क्योंकि वो लोग हमेशा मुझे कहते रहते कि यार गजब फैंस हैं, गजब फैमिली है तुम्हारी, कि इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है, छोटी छोटी बात पर आप लोग यू आर ऑलवेज देयर, एंड व्हाट एल्स आई वुड वांट. इफ यू हैड टू सिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ एनी वन हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, हु वुड यू चूज एंड व्हाई वुड यू? ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा मेरे किसी स्पेसिफिक, पर मैं मेरे फैंस के लिए गाऊंगा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल लोग वही हैं और मैं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही लोग हैं, सो आई विल सिंग फॉर देम ओनली. फेवरेट स्पोर्ट्स एंड व्हाई, आई लव स्विमिंग, आई लव क्रिकेट. क्रिकेट मैं जुगल से बेटर खेलता हूँ, याद आयु था, हंस रहा है वो, तारा दर एक बॉल पर मैं सिक्स मारी है. व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग विद योर फ्रेंड्स? पीछे हंसी की आवाज आ रही होगी. वी चिल, वी टॉक, वी सी मूवीज, वी ट्रैवल, वी गो ऑन लॉन्ग राइड्स, एंड वी डू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोग अपने दोस्तों के साथ करते हैं वो सारी चीजें मैं करता हूँ. व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट परचेज यू हैव एवर? मैं बहुत बार यार मैंने कुछ कुछ जूते मंगवाए हैं और कभी फिट नहीं हुए, कभी कभी ये है, और सिर्फ ऐसे ही अच्छे लग गए तो मंगवा दिए हैं, तो बहुत इश्यूज हुए हैं. मैंने चीज़ें मंगवाई हैं एंड आई हैव बीन नॉट हैप्पी, बट मोस्टली विद शूज़ ओनली, और जूतों के साथ ही मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ हूँ. वर यू बुलीड एज अ किड? आई हैव बुलीड पीपल, मुझे, मैं बुली नहीं हुआ हूँ, मैंने बुली किया. वर योर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट? माई फादर वॉज अ लिटल स्ट्रिक्ट, भारी हैं अभी सुनेंगे तो आ जाएंगे मैं कब स्ट्रिक्ट था, बट या स्ट्रिक्ट इन सेंस जो नॉर्मली होते हैं पढ़ाई के लिए, आके आप पढ़ाई करो, फोकस करो. तो अनमोल डैनियल इज ऑल्सो देयर. सिद्धार्थ भाई अंदर आ भी जाओ ने, कम इन साइड. सो मॉम वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी दैट आई वॉज डूइंग म्यूजिक, एंड बहुत सपोर्ट था. डैड भी सपोर्ट, डैड का ये था कि सैटरडे संडे करो, परस्यू इट एज अ हॉबी, जो तेरा जिक्र में लाइन यूज की है कि इट्स एन हॉबी नॉट अ प्रोफेशन, तो वो उनका था कि दैट यू ऑल नो दैट, बट या दे वर वेरी सपोर्टिव, एंड अब तो बहुत सपोर्ट करते हैं. अभी तो मेरे डैड इज द फर्स्ट क्रिटिक टू द सॉन्ग, ही लिसन देंगे, या बराबर नहीं, या बराबर छे, दिस गुड, दिस नॉट गुड, सो इज देयर. व्हाट गॉट यू इनटू म्यूजिक? आई थिंक म्यूजिक इज लाइक मैजिक. The emotions I feel while doing music, I don't feel it anywhere. I think एक अलग ही दुनिया है music, और it's beautiful when I do music. I love, मैं कुछ कुछ बातें मुझे लगता है कि जैसे if you see me talking also. Welcome, welcome. आओ आओ. Hello, hello, hello. Mr. Bhavsar is here. So yes, I think magic. I मुझे लगा कि music magic है और इसीलिए I started doing music. Have you ever dealt with performance anxiety a lot? जब शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होती थी, पैसा ना भाई. So बहुत ज़्यादा starting में, क्योंकि कभी फेस नहीं किया था इतना audience या reality show में कैमरे के सामने perform करना, तो वो होती है. But I think लोग आसपास आपको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं बी काम, एंड सो यस आई हैव फेल्ट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन यू हैव स्पेयर टाइम? गाने ही करते हैं, म्यूजिक करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव वॉचिंग टीवी. अभी पिछले 6 महीने से तो यही कर रहे हैं कि हॉल में बैठे हैं या बेडरूम में जाते हैं, वहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे रूम में जाते हैं, स्टूडियो में आ जाते हैं, सो वही करते हैं. इफ यू वेरंट फेमस, व्हाट वुड यू बी अप टू राइट नाउ? वो तो नहीं पता कि अगर फेमस नहीं होता तो
भी ऐसा ही होता, कुछ मैं कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, बट हाँ अगर म्यूजिक नहीं करता होता तो बहुत दुखी होता, कहीं पार्ट टाइम जॉब करता होता या कुछ ना कुछ, आई वुड बी अ डिस्क पर्सन, वेरी सैड इन लाइफ, बहुत ही ज्यादा जिंदगी से रूठा हुआ होता मैं, बट आई एम नॉट. थैंक्स टू यू गाइज, यू हैव मेड मी फेमस एंड यू हैव सपोर्टेड मी ऑलवेज. हु इज द मेसीएस्ट पर्सन यू नो? राइट, जो कैमरे के पीछे हैं, जुगल सोनी मेरे दोस्त हैं, वो बहुत ज्यादा मेसी हैं. ये सब मत बोलो. What would you like to remember about me? मैं चाहता हूं कि जब जब मुझे लोग याद करें तो मेरे साथ मेरे फैंस को भी याद करें कि एक आर्टिस्ट था और उसके ऐसे फैंस थे जो उसको उतना सपोर्ट करते. तो आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड विद माई फैंस, और आई वोंट वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड. हाउ डिड योर जर्नी विथ इंडी म्यूजिक लेबल बिकम? कुछ सालों पहले नौशाद खान saw the power of independent music and he thought let's bring independent music bade scale par India mein, let's do it on a bigger scale, and that's how he started indie music label. And mujhe bahut support kiya, mere music ko trust kiya, and he gave me a platform ki main aap logo tak aur bade gaane aur khoobsurat videos aap tak lekar pahunchu. And now I think that has established, and bahut sare aage bhi indie music label ke बड़े खूबसूरत गाने आ रहे हैं, बड़े नए न्यू आर्टिस्ट आर कमिंग इन एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आर कमिंग इन. एक तो सिद्धार्थ भाई का गाना भी आ रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, नाम वहां भी नहीं बोलूंगा. व्हाट इज योर ड्रीम इन लाइफ? इसके बारे में अंत में बात करेंगे. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ब्लू फैमिली? इसके बारे में भी अंत में बात करेंगे. कुछ क्वेश्चंस अभी थोड़ा स्पीड में करूंगा, वरना पता चला यहाँ जो लोग हैं वो बोर ना हो जाए. शिवानी _02 सेकंड टैटू ऑन हिज नेक मींस कोई नहीं जानता मेरे अलावा, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ अफवाह है कि ये है. फर्स्ट और थर्ड आप लोग जानते हैं, सेकंड किसी को नहीं पता. इट्स कम्प्लीटली द वन थिंग दैट आई ओनली नो. आज 6 मिलियन कम्प्लीट हो गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा खुश हूं मैं, वेरी हैप्पी. और जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं मुझे और कॉन्फिडेंस आ रहा है. और एक चीज है जो मैं लास्ट में बताऊंगा. वन वर्ड फॉर योर बांग्लादेशी दर्शनर्स, लव यू गाइस. आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी तक वहाँ परफॉर्म करने नहीं आ पाया, बट लेट थिंग्स गेट नॉर्मल. मैंने पहले भी प्रॉमिस की है, बट वेरी 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 सून आई विल कम देयर एंड सिंग. मराठी सॉन्ग आएंगे जल्दी से. से समथिंग अबाउट मी दर्शनर्स एंड हाउ डज ही फील टू हैव सच अ डेडिकेटेड फैन. I feel honored and feels like a dream every morning. I क्योंकि कुछ सालों पहले ही कुछ नहीं था और अभी इतने सारे लोग हर रोज इतना सपोर्ट करते हैं. I keep seeing comments on YouTube, on my Instagram, on my pictures, and it is very emotional for me when every morning I get up and now I have एक thought हमेशा मेरे दिल के अंदर रहता है कि इतने लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बट आई यू गाइज गिव मी अ मोटिव टू गेट अप एवरी डे एंड डू समथिंग ब्यूटिफुल फॉर यू गाइज. एक वार्डरोब टूर मिलेगा, अभी बहुत मेस्ड अप है. अभी एक शूट करके आया हूँ मैं फोटोशूट, तो सारे कपड़े इधर इधर उधर. डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और राइटिंग? आई लव राइटिंग बट नॉट रीडिंग बुक्स. नहीं, मैं नॉवेल नहीं पढ़ता हूँ. कैन यू एक्सपेक्ट you to be a little more active on Twitter also, because Twitter is missing you. I Twitter pe Twitter sessions karte rehta hu, wahan par bhi bahut hi amazing baatein hoti rehti hai, emotional baatein hoti rehti hai. So yeah, I'll be more active there as well. Are you a long drag person and any song crying partner? Phir Le Aaye Dil is a song that I really love, or long drive mein non stop sun sakta hu dono version, and I can cry on that song. What does Darshan do when he craves for junk food during dieting? एक तो पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि घर में चॉकलेट्स कभी बचती नहीं है. जुगल दरवाजे पर ही कभी भी, जैसे आप लोग गिफ्ट भेजते हो तो चॉकलेट्स बहुत सारी आती हैं, तो जुगल दरवाजे पर ही खड़े होकर सारी चॉकलेट्स खत्म कर देता है. केक घर में रहती नहीं, तो मुझे क्रेविंग होती है और मीठा खाने की सबसे ज़्यादा, तो कुछ बाकी नहीं रखता. तो अभी हमने बैन कर दिया है कि नहीं चाहिए. अच्छी बात है, कुछ बाकी नहीं रखते. करंट फेवरेट वेब सीरीज डेयरडेविल अभी देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर्स. व्हाट इज वन थिंग दैट ऑलवेज चीयर्स यू अप व्हेन यू आर फीलिंग लो? अब ये बोलूंगा तो आपको लगेगा कि हर चीज में ये कह रहा है, बट
when I go online and I see your memes and everything, so it really makes me happy. मैं बहुत ज़्यादा stalk करता हूँ आप लोगों को. Let me tell you that also. एक थीम तो नहीं बन सकता सिद्धार्थ भाई, आपको थीम बनाना पड़ेगा मेरी लाइफ के ऊपर. When you look back on your 19-year-old self, what advice would you give to him? That beautiful things are written for you, so be prepared and बहुत खूबसूरत चीजें होने वाली है तुम्हारी जिंदगी में. और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट इतने ही अभी मैं करता हूँ. बट आई प्रोमिस आगे भी आप सबके क्वेश्चंस मैं लेते रहूँगा, आप सबको आप सबके साथ बात करते रहूँगा. पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे. बहुत दिनों से एक हैशटैग चल रहा है और वो हैशटैग का नाम है हैशटैग बिग अनाउंसमेंट. गेस करो, चलो आई एम रीडिंग योर कमेंट्स. गेस करो क्या होगा ये बिग अनाउंसमेंट. बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि दर्शन शादी करने वाला है, उसकी गर्लफ्रेंड को रिवील करने वाला है. आई हैव सीन द हाय ध्रुवल व्हाट्स अप. सो गेस करो, आई वांट टू सी व्हाट यू गाइस आर राइटिंग. व्हाट वुड बी द बिग अनाउंसमेंट. अभी भी मुझे सिर्फ हाथ दिखाई दे रहे हैं. सो वक्त आ गया गाइस फॉर द बिग अनाउंसमेंट. बट आई वांट टू सी व्हाट. कभी अपने पापा से पिटाई, मेरे फादर ने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, नेवर इन हिज लाइफ. मॉम ने बहुत पिटा है बट वो भी एक दिन मुझे ज्यादा लग गई थी, उसके बाद छोड़ दिया उसको कभी नहीं. पर बच्चों ने बहुत, मम्मी ने बहुत मारा है मुझे. एंगेजमेंट विनोद, यू फाउंड कोविड वैक्सीन. नहीं दीपेश यार, होप कर रहे हैं हर रोज, बट यू बी सेफ वेरी वेल यू आर. तारे वधारे बाहर रखड़वानी आदत छे ले तू ध्यान रख दे. दीपेश सोनी, राम राम सर. मैरिज नहीं, न्यू शो नहीं, बिग अनाउंसमेंट कहा है मैंने. करो गेस करो. हाँ शॉकिंग नहीं है, मैरिज एंगेजमेंट नहीं है, मूवी नहीं, समथिंग वेरी बिग. गर्लफ्रेंड है क्या यार तुम लोग भी. एंगेजमेंट ही है क्या. सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन टू यू. सर आइए. नहीं चालू है, लाइव चालू है. अभी बस ब्रेक कर रहा हूं बिग अनाउंसमेंट. सो आज सुबह मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी और उसमें मैंने लिखा था कि कमेंट एंड टेल मी व्हाट आर योर ड्रीम्स. और आपके बहुत ब्यूटीफुल जवाब आए थे. आई रेड लॉट ऑफ कमेंट्स और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. बहुत सारे लोगों के खुद के अपने सपने थे, कई सारे लोग मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे बात करना चाहते थे. अपना ब्रांड नहीं 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 गाइज नहीं. सो आज मैं आपको मेरा एक सपना शेयर करने वाला हूँ. काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहा था. आई वॉज रियली प्रिपेयरिंग.